share together. बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने हाल ही में फिल्म बकेट लिस्ट के साथ मराठी फिल्मों में डेब्यू किया है। उनकी ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म के लिए पहुंची माधुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके लिए बड़ी कामयाबी है कि लोग उन्हें आज भी देखना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म साजन ने उनकी स्टीरियोटाइप इमेज को भी काफी बदल दिया था। फिल्म में लोगों ने उन्हें एक अलग कैरेक्टर में देखा। लोगों को भी लगा कि वो कुछ अलग भी कर सकती हैं। माधुरी ने इस फिल्म से जुड़ी बातों को शेयर करते हुए कहा, जब इसके लिए संजय दत्त को साइन किया गया तब लोगों ने कहा कि संजय तो एक्शन हीरो हैं, उसे रोमांटिक फिल्म में क्यों लिया, उससे नहीं होगा। लेकिन जब फिल्म आई तब लोगों ने उन्हें एक अलग ही रूप में देखा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फिल्म के डायलॉग और गाने हिट हुए और आज भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। बता दें कि माधुरी जल्द ही फिल्म कलंक और टोटल धमाल जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। इसके अलावा वो नए शो डांस दीवाने को भी जज करती दिखेंगी। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।